तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, सिस्टम्स ऑफ वेरिएबल मासेस। मतलब ऐसे सिस्टम जिनमें मासेस चेंज हो रहे हो, उसमें हम क्या करेंगे फोर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो देखो, जैसे एग्जांपल के लिए अगर रॉकेट को हम कंसिडर करें, तो रॉकेट जब अपर डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसमें से गैस बाहर आएगी, तो रॉकेट का मास धीरे धीरे कम होता रहेगा। तो इस टाइप के सिस्टम में हमें ये डिस्कस करना है कि रॉकेट पे गैस कितना फोर्स अप्लाई करेगी, या कोई कन्वेयर बेल्ट है और बेल्ट मूव कर रही है एंड ए सैंड इज़ फॉलिंग ओवर दी कन्वेयर बेल्ट एट कॉन्स्टेंट रेट। तो उसकी वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए, कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए उस पर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो इसको डिस्कस करने के लिए सबसे पहले हम न्यूटन सेकेंड लॉ से स्टार्ट करेंगे। न्यूटन का जो सेकेंड लॉ था, न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो भी फोर्स लगेगा किसी सिस्टम पे, दैट इज़ गिवन बाय एफ इज़ इक्वल टू डी पी बाई डी टी, वेयर पी इज़ दी लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम। सो फोर्स विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी। अगर मैं उस सिस्टम में जो पार्टिकल्स हैं उनका मास एम और वेलोसिटी वी एज्यूम कर लूँ, तो मैं ये फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकता हूँ। अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ बोथ साइड्स, दोनों प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स। इस फॉर्मूले से रिलेटेड हमको दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। ये है फर्स्ट पॉइंट, तो ये है कि अगर कभी किसी सिस्टम में जो भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट रहेगी तो वहाँ पर डी वी बाई डी टी की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। और अगर डी वी बाई डी टी ज़ीरो हो गया तो उस टाइम पे फोर्स जो लगेगा उस सिस्टम पे, उस फोर्स की वैल्यू होगी, क्योंकि जो ज़ीरो हो गया डी वी बाई डी टी, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, तो फोर्स विल बी इक्वल टू वी डी एम बाई डी टी। और अगर इसी टाइप का कोई सिस्टम है जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बट मास कांस्टेंट है, अगर मास कांस्टेंट है, तो मास अगर कांस्टेंट है तो डी एम बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा। और अगर डी एम बाई डी टी ज़ीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि फोर्स की वैल्यू हो जाएगी एम इंटू डी वी बाई डी टी। तो इन दोनों केसेस को मैं यहाँ एग्जाम्पल्स से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कुछ एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला जो एग्जाम्पल है हमारा, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1 है कि अगर कोई गन है और उसमें से बुलेट फायर कर रही है गन, एंड एन बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड। तो हमने नॉर्मली हमने ही पढ़ा हुआ है, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि बुलेट्स आर फायर्ड फ्रॉम गन। तो ये कोई गन है, सपोज कर लो दिस इज अ गन, और इस गन में से जो है बुलेट्स फायर कर रहे हैं, एंड लेट अस सपोज दैट ईच बुलेट इज हैविंग मास एम, ईच बुलेट इज हैविंग मास एम, एंड एन बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड, एन बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड। तो नॉर्मली हमने ये देखा हुआ है कि जब भी गन में से बुलेट्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में निकल के जाएंगी, बाहर जाएंगी, तो गन पे भी पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, गन पे बैकवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, सो एज टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि यहाँ इंटरनल फोर्स लग रहा है ना, इसलिए बुलेट्स अगर आगे जाएंगी तो गन पीछे जाएगी। तो गन पे एक बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो अगर हम गन को एक ही जगह पे होल्ड करके रखना चाहें तो हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, व्हाट शुड बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन, एंड इट इज़ गिवन दैट द एन बुलेट्स आर फायर्ड पर सेकेंड फ्रॉम द गन विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। तो यहाँ अगर हम इस केस को देखते हैं तो इस केस में ये गिवन है कि बुलेट्स की जो वेलोसिटी है वो कॉन्स्टेंट है, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट्स इज कॉन्स्टेंट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट्स इज कॉन्स्टेंट। तो अगर बुलेट्स की वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बुलेट्स गन पे जो फोर्स अप्लाई करेंगी उस फोर्स का फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ मैंने बताया था फोर्स का फॉर्मूला
एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी होता है। तो क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है इसलिए ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी, और इसलिए फोर्स का जो फॉर्मूला बचेगा दैट विल बी वी डी एम बाई डी टी, ये फॉर्मूला बचेगा फोर्स का। और यहाँ पर ये क्या है, दिस इज दी मास पर सेकेंड, जो भी गन का मास पर सेकेंड चेंज हो रहा है वो यहाँ पर हमें पुट करना है। अब गन का मास पर सेकेंड का मतलब एक सेकेंड में जितनी बुलेट्स बाहर निकल रही हैं उन सब का मास, एक सेकेंड में जितनी बुलेट्स बाहर निकल रही हैं उन सब का मास। तो एक सेकेंड में कितनी बुलेट्स बाहर निकल रही हैं, एन, तो एन बुलेट्स का टोटल मास हो जाएगा एन इंटू एम, क्योंकि एक बुलेट का मास एम है, एंड इन 1 सेकेंड एन बुलेट्स आर फायर्ड, तो एक सेकेंड में जो टोटल मास गन में से लीव करके बाहर जाएगा दैट इज़ एन इंटू एम। तो ये हमारा जो है फोर्स आ जाएगा जो बुलेट्स गन पे अप्लाई करेंगी, या जितना हमें अप्लाई करना पड़ेगा गन को होल्ड रखने के लिए। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट एग्जाम्पल। इसके बाद मैं एक सेकेंड एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। सेकेंड एग्जाम्पल है कि एक कन्वेयर बेल्ट है हमारे पास, मतलब कन्वेयर बेल्ट एंड सैंड प्रॉब्लम, ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, कन्वेयर बेल्ट एंड सैंड प्रॉब्लम। तो ये कोई कन्वेयर बेल्ट सपोज कर लो, दिस इज़ अ कन्वेयर बेल्ट, और ये बेल्ट इस टाइप से मूव कर रही है एंड बेल्ट इज़ हैविंग सम वेलोसिटी। अब सपोज कर लो ऊपर से इस पे हमने सैंड फॉल करा दी, सैंड इज़ फॉलिंग ओवर दिस, एंड लेट एम इज़ दी रेट ऑफ फॉल ऑफ सैंड पर सेकेंड, एम मास फॉल कर रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि जो कन्वेयर बेल्ट है उसका मास धीरे धीरे बढ़ता जाएगा सैंड जैसे जैसे फॉल करेगी कन्वेयर बेल्ट पे, तो कन्वेयर बेल्ट का मास बढ़ता जाएगा। तो मास अगर बढ़ेगा तो मोमेंटम कन्वेयर बेल्ट का कम होना चाहिए, यानी कि उसकी वेलोसिटी कम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि उसके वेलोसिटी को मेंटेन रखने के लिए, कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखने के लिए हमें कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम जो न्यूटन्स लॉ की जो जनरल फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग अगर चलते हैं तो एफ इज़ इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, और यहाँ हमें जो है कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है। तो अगर कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी को कांस्टेंट रखना है तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एफ इज़ इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ फॉल ऑफ मास, रेट ऑफ फॉल ऑफ मास। तो अगर मान लो कि कन्वेयर बेल्ट पे मास फॉल कर रहा है, और सपोज़ कर लो कि 10 किलोग्राम पर सेकंड फॉल कर रहा है, तो अगर 10 किलोग्राम मास पर सेकंड फॉल कर रहा है, फॉलिंग, तो उस टाइम पे हम ये जो डी एम बाई डी टी लिखा हुआ है, डी एम बाई डी टी, इस डी एम बाई डी टी की वैल्यू 10 किलोग्राम पर सेकेंड पुट कर देंगे, और जो भी वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी हम यहाँ रखेंगे, कन्वेयर बेल्ट की जो भी वेलोसिटी हमें मेंटेन करके रखनी है वो हम एज इट इज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। और ये है मास ऑफ कन्वेयर बेल्ट इंक्रीजिंग पर यूनिट टाइम, क्योंकि जो भी मास फॉल करेगा वो कन्वेयर बेल्ट का टोटल मास बढ़ा देगा, तो ये है मास पर यूनिट टाइम। तो दिस इज़ द सेकेंड एग्जाम्पल। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर 3, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा वेरिएबल मास प्रॉब्लम का। थर्ड एग्जाम्पल है हमारा कि सपोज कर लो कि ये कोई वॉल है और एक लिक्विड की जेट पाइप में से निकल के और वॉल को हिट कर रही है, तो वॉल पे कितना फोर्स लगाएगी। लिक्विड जेट इज़ हिटिंग अ वॉल, ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम, इज़ हिटिंग अ वॉल। लिक्विड जेट, लिक्विड में से जो वाटर निकल रहा है किसी वेलोसिटी से वो किसी वॉल को, दीवार को हिट कर रहा है, तो ये कोई वॉल सपोज कर लो, लेट अस सपोज दैट दिस इज़ अ वॉल, ये कोई वॉल है, दिस इज़ अ वॉल, और यहाँ पर से किसी पाइप में से, मैं यहाँ एक पाइप सपोज कर लेता हूँ, मैंने ड्रॉ कर दी, दिस इज़ अ पाइप।
पाइप में से लिक्विड बाहर निकल रहा है और लिक्विड में से जो जेट लिक्विड की जो जेट है वो दीवार को हीट कर रही है। एंड लेट अस सपोज दैट वी इज़ दी वेलोसिटी ऑफ लिक्विड, जिससे लिक्विड लिक्विड बाहर निकल रहा है वो वेलोसिटी वी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फ्रॉम विच या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द जेट ऑफ द लिक्विड इज सपोज टू बी ए। तो यहाँ ये जो लिक्विड की जो जेट है ये दीवार को हिट कर रही है विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मतलब दीवार पे जिस वेलोसिटी से हिट करेगी ये कॉन्स्टेंट है, मतलब कभी कम वेलोसिटी से हिट करिए कभी ज़्यादा वेलोसिटी, वो वाला केस हम डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पर कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से हिट कर रही है लिक्विड जेट। तो क्योंकि हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है एफ इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी, यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से हिट कर रही है लिक्विड जेट, तो फोर्स का जो फॉर्मूला होना चाहिए वो होना चाहिए वी डी एम बाई डी टी, वे डी एम बाई डी टी इज़ द मास ऑफ द लिक्विड हिटिंग पर सेकेंड, मास ऑफ लिक्विड हिटिंग द वॉल, मास ऑफ द लिक्विड हिटिंग द वॉल पर सेकेंड। पर सेकेंड कितना लिक्विड वॉल को हिट कर रहा है वो यहाँ पर डी एम बाई डी टी है। तो अगर मैं यहाँ डी एम बाई डी टी कैलकुलेट करना चाहूँ डी एम बाई डी टी, तो देखो सपोज कर लो 1 सेकेंड में ये जो रीजन मैंने दिखाया है ये वाला रीजन, मान लो 1 सेकेंड में ये सारा लिक्विड वॉल को हिट कर देगा, तो इस लिक्विड की जो टोटल लेंथ होगी लिक्विड जेट की वो वेलोसिटी वी के इक्वल होगी, वी क्योंकि लिक्विड वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अगर मैं इस एरिया को इस वी वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो एरिया इंटू वेलोसिटी विल बिकम वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हिटिंग पर सेकेंड। सो एरिया इंटू वेलोसिटी दिस इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड हिटिंग पर सेकेंड, और वॉल्यूम को अगर मैं डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दिस क्वांटिटी विल बिकम द मास ऑफ द लिक्विड हीटिंग पर सेकेंड। और ये वाली डी एम बाई डी टी की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर पुट कर दूँ इसमें, तो फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा एफ इज इक्वल टू वी इंटू डी एम बाई डी टी, एंड डी एम बाई डी टी इज ए वी रो। तो फाइनली फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर रो ए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स एग्जर्टेड बाई द लिक्विड जेट ऑन दिस वॉल। तो ये एग्जाम्पल हमें याद रखना है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ इसी का, एग्जाम्पल नंबर फोर। एग्जाम्पल नंबर फोर है हमारा रॉकेट, मोशन ऑफ रॉकेट या रॉकेट प्रोपल्शन। तो देखो सपोज कर लो कि ये है अर्थ की सरफेस, दिस इज अर्थ, और किसी टाइम पे रॉकेट यहाँ पर है, एट एनी टाइम द रॉकेट इज प्रेजेंट एट दिस पोजिशन, द रॉकेट इज प्रेजेंट एट दिस पोजिशन। तो रॉकेट में से गैस बाहर निकल रही है और रॉकेट के रिस्पेक्ट में गैस की वेलोसिटी को मैं सपोज कर लेता हूँ वी, वी आर ए एल, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट। तो रॉकेट का मास जितनी स्पीड से कम होगा उतनी स्पीड से गैस बर्न हो जाएगी, और जैसे जैसे लिक्विड बाहर निकलेगी वो गैस बाहर निकलेगा तो रॉकेट पे फोर्स भी लगाएगा। तो इसलिए इस गैस पे जितना फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में उतना ही फोर्स रॉकेट पे भी लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, और रॉकेट एक्सेलेरेट होगा। तो अगर मैं यहाँ पर रॉकेट की बात करता हूँ तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलेरेशन। यहाँ देखो ये जो वेलोसिटी जो है ना, ये वाली वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, दिस इज कांस्टेंट, क्योंकि रॉकेट में से जो गैस बाहर निकल रही है वो सपोज कर लो कांस्टेंट रेट से बाहर निकल रही है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट इज कांस्टेंट। तो अगर रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट है तो रॉकेट पे जो फोर्स लगेगा, जो भी फोर्स लगेगा रॉकेट पे, दैट विल बी वी डी एम बाई डी टी, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है इसलिए एक ही टर्म आएगी। अब ये जो फोर्स लगेगा रॉकेट के ऊपर, ये फोर्स दो काम करेगा, एक तो रॉकेट को ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा प्लस उसके वेट को भी बैलेंस करेगा, क्योंकि रॉकेट का मास तो ज़ीरो है नहीं, वेट तो ज़ीरो तो नहीं है ना, क्योंकि रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं, इसका मतलब हम उसके वेट को भी ऊपर की तरफ लेके जा रहे हैं। गैस जो भी फोर्स लगाएगी वो फोर्स रॉकेट में एक्सेलेशन भी करेगी प्लस रॉकेट को ऊपर भी लेके जाएगी, रॉकेट के वेट को भी ऊपर लेके जा रही है, वेट को बैलेंस कर रही है। क्योंकि
इसलिए ये फोर्स जो है ना दो जगह पे काम आ रहा है, एक तो दिस इज द मास ऑफ द रॉकेट एम इन टू ए, दिस इज द टोटल फोर्स एग्जर्टेड ऑन द रॉकेट टू एक्सेलेरेटेड, प्लस रॉकेट का वेट भी बैलेंस करना हमें साथ में, तो प्लस एम जी और आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी। तो फाइनली हमारे पास इक्वेशन बनती है वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ गैस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट, रॉकेट के रिस्पेक्ट में गैस कितनी स्पीड से बाहर निकल रही, क्योंकि रॉकेट पे फोर्स लग रहा है ना, इसलिए रॉकेट के रिस्पेक्ट में कितनी वेलोसिटी है वो हमने यहाँ कंसिडर की है, दिस इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ये हमारे पास फाइनली रिलेशन आया है। अगर सपोज कर लो कि स्पेस में किसी पोजीशन पे जाके या स्पेस में कहीं पर जाके रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, इफ़ वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, अगर रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हो रही, तो अगर रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर देता है तो उसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो हो जाएगा, और उस टाइम पे जो रॉकेट पे फोर्स लग रहा होगा वो सिर्फ उसके वेट को बैलेंस करेगा, तो उस टाइम रिलेशन बन जाएगा हमारे पास वी रिलेटिव डी एम बाई डी टी दिस इज एम जी, मतलब उस टाइम पे जो भी एग्जस्ट गैसेज होंगी, गैसेज जब बाहर निकलेंगी तो रॉकेट पे जो फोर्स लगाएंगे वो सिर्फ उस टाइम पे उसके वेट को बैलेंस करेगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पे नहीं हो रहा, अगर एक्सेलेरेशन होता है तो साथ में एम जी के साथ में एम ए भी आ जाएगा, उस टाइम पे हम फिर सिर्फ ये रिलेशन यूज़ करेंगे, इफ़ नो एक्सेलेरेशन इज़ प्रेजेंट ओनली वेट ऑफ द रॉकेट इज़ बैलेंस्ड एंड रॉकेट इज़ मूविंग इट विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, तो ये चीज़ हमको यहाँ पे याद रखनी है। तो इसके बाद फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स।